Hello dear student, I am Gautam Prasad. Today we are going to start the 12th class chapter 3rd और उसका नाम है हमारा जनसंख्या संगठन। ये जो मानव भूगोल का जो हमारे जो चैप्टर दिया गया है थर्ड चैप्टर, हम उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो बच्चों, हम जो इसमें डिस्कशंस करेंगे आपको, हमने कुछ चार भागों में इसको बांट दिया गया है, तो हम उसके बारे में ये जानेंगे जनसंख्या संगठन होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको, वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको इसमें बताएंगे हम आयु संरचना होती क्या है, वो चीज तो जिसमें विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, जैसे पुरुष महिलाएं और जितने भी जो आयु वर्ग के होते हैं, जैसे 0 से 14 तक, और इसमें उसके बारे में हम जानेंगे। एक है हमारा लिंग संगठन होता क्या है। लिंग बच्चों, लिंग संगठन का मतलब सीधा यहाँ पर आता है, तो कितनी जो संख्या में जो है, जैसे महिला है पुरुष है, तो वो उसकी जो संख्या है, तो पूरे जो विश्व में भारत में इस तरीके से किस तरीके से वो है, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो हमारा एक है, इसमें हम आते हैं तीसरा जो हमारा है साक्षरता। साक्षरता होता क्या है उसके बारे में, जो पढ़ लिख समझ सकता है, अपने बुद्धि के उपयोग से जो कार्य कर सकता है, तो वो साक्षरता कहलाता है इस तरीके से। तो एक है हमारा जो लास्ट पॉइंट है हमारा दे रखा है व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना में हम यह जानेंगे कि हम किस तरीके से जो लोग हैं वो व्यवसाय मतलब कि कार्य, तो विकासशील देश और विकसित देश किस तरीके से जो अपना विकास कर रहे हैं व्यावसायिक कार्य में, वो जो निपुण होते हैं, तो जितने भी जो प्राथमिक कार्य में होते हैं, जो ज्यादातर ये रेशियो निकाला गया है, जितने विकासशील देश हैं बच्चों, जो विकासशील देश होते हैं वो जो अंडर डेवलपमेंट, जो मतलब अभी डेवलप कर ही रहे हैं, और जो डेवलप जो हो गया वो विकसित देश हो गए। तो इस तरीके से हम ये इसमें बढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो दिया गया है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन होता क्या है, जनसंख्या संगठन है क्या। तो आइए बच्चों हम इसमें बताते हैं। जनसंख्या संगठन वो होती है, इसका अभिप्राय उस चीज से है जहां पर कि हमें लिंग, जाति, धर्म और साक्षरता, इन सभी के बारे में अध्ययन करें, तो यही हमारा क्या है, जनसंख्या संगठन है। किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात है, धर्म के लोग हैं, भाषा कौन सी है, विभिन्न आयु वर्ग के बारे में हम, इस तरीके की क्या है हमारी जनसंख्या संगठन है। तो आइए इसी में हम, इसी के अंतर्गत हम और चीज भी जानते हैं, वो है हमारा इसमें जो नगर में कितने संगठन है, मतलब नगर में कितने लोग रहते हैं, ग्रामीण में कितने लोग रहते हैं, साक्षरता के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो जनसंख्या संगठन जो हमारा है पूरा एक चीज किससे डिनोट करता है, किस चीज के बारे में हमें बताता है, विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग और हमारा आयु और साक्षरता, ग्रामीण, नगरीय, इन सभी के बारे में हमें वह दर्शाता है और हमें बताता है कि किस तरीके से हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम, हमारा जो दूसरा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा लिंग अनुपात सबसे पहला। तो आइए हम जो इसमें जानेंगे अब आपका जो आपको लिंग अनुपात बच्चों, प्यारे बच्चों देखो क्या होता है लिंग अनुपात, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। लिंग अनुपात देखो बच्चों वो होता है जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को नापा जाता है। और इसमें हम किस तरीके से निकालते हैं, लिंग अनुपात निकालने की विधि होती है, हम उसके जरिए ही निकालते हैं। तो मतलब जहां पर पुरुषों के समान महिलाओं की कितनी स्थिति है, मतलब मान लो 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, तो हमें इस तरीके से हमें लिंग अनुपात निकालना होता है। लिंग मतलब क्या होता है, लिंग में दो जने आ जाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है। तो स्त्री पुरुष मतलब पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो इसका एक सूत्र दे रखा है हम, सबसे पहले लिंग अनुपात आपको जो बताना था मुझे, लिंग अनुपात क्या होता है, जहां पर प्रत्येक प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या प्राप्त करना ही लिंग अनुपात कहलाता है। तो आइए हम इसमें लिंग अनुपात हम निकालते कैसे हैं, लिंग अनुपात निकालने के लिए बच्चों इसमें जो होता है, हम सबसे पहले ऊपर जो लिखते हैं पुरुषों की संख्या, पुरुष की संख्या, नीचे स्त्रियों की संख्या, स्त्री की संख्या और मल्टीप्लाई 1000, हम इस तरीके से निकालते हैं बच्चों। तो ये जो लिंग अनुपात हम निकालते हैं इस तरीके से हम निकालते हैं, तो
इसमें जो हम जानेंगे लिंग अनुपात में जो सबसे बड़ी चीज है, तो ये जो होती है ये कहां पर सबसे ज्यादा है, कैसे है। तो लिंग अनुपात में हम अगर ये निकालना है प्रति हजार, ये तो हमने निकाला प्रति हजार पुरुषों पर कितनी संख्या, स्त्रियों की संख्या। यदि हमें स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसे स्त्री को हम क्या करेंगे ऊपर डाल देंगे और पुरुष जिसको हमें निकालना है उसको नीचे रख देंगे। अब हमें प्रति हजार इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड से। तो यदि हमें पुरुष निकालना है, यदि हम पुरुष निकालेंगे, ये था महिला स्त्री का और ये हमारा क्या था पुरुष का, जिसको भी निकालना है वो हम क्या लिखेंगे नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। तो आपसे कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है हमारे पास कि यह पूछते हैं उसमें कि जो भारत विश्व में जो औसत जो लिंग अनुपात है वो कितना है। तो जो विश्व का जो लिंग अनुपात माना जाता है बच्चों वो है आपका 990। पूरे विश्व का जो लिंग अनुपात है वो कितना है 990 है। तो आपसे एक क्वेश्चन से भी पूछेंगे, सबसे उच्चतम लिंग अनुपात क्या है, कौन सा देश है और सबसे निम्नतम कौन सा है। तो प्यारे बच्चों जो इसमें जो सबसे उच्चतम है वो हमारा कहाँ है, लेटेविया का कितना है, लेटेविया का जो हमारा माना जाता है वो है हमारा 1187। ये लिंग अनुपात कितना है सबसे ज्यादा, जहां पर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या महिलाएं अधिक मानी जाती है वहां पर। तो और हमारा जो निम्न लिंग अनुपात जो है हमारा सबसे ज्यादा वो हमारा कम कहां पर है, सबसे कम सबसे ज्यादा लेटेविया में है और सबसे कम कहां पर है निम्न, वो हमारा है यूएई संयुक्त यूनाइटेड अरब इमीरात। तो इसमें कितना है बच्चों, इसमें जो है 468 है, महिलाओं की संख्या बहुत कम मानी जाती है, लिंग अनुपात बहुत। तो ये चीज हमारा हो गया। तो आपको लिंग अनुपात समझ में आ गया, जहां पर प्रत्येक प्रति हजार इकाई पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में जो डिस्कशन करेंगे, जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक माना जाता है हमारा है, अब इसमें हम जानेंगे बच्चों आयु संरचना, आयु संरचना। चलिए बच्चे अब देखो आयु संरचना का उदाहरण क्या है, सबसे पहला हम जो इसमें जानते हैं आयु संरचना होती क्या है, जो विभिन्न विभिन्न आयु वर्गों के विषय में बताती है उसे आयु संरचना कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। अब आइए जैसे इसको तीन भागों में बांट दिया गया बच्चों, सबसे पहला देखो इसमें क्या होता है, जन्म से लेकर जीरो से लेकर 14 वर्ष तक एक ये स्टेप है। दूसरा स्टेप हमारा ये क्या है, इसमें होता है हमारा 15 से लेकर 59 वर्ष तक। और तीसरा हमारा है बच्चों 60 वर्ष से अधिक। अब आपने यहां पर देखा तीन जो स्टेप में बांट दिया गया है आयु संरचना को, तीन भागों में बांट दिया गया है और जो वो तीन भाग है आपके 0 से लेकर 14 वर्ष तक। तो बच्चों जैसे कि आप सभी हैं तो 0 से लेकर 14 वर्ष तक होते हैं वो क्या होते हैं, आश्रित वर्ग होते हैं, वो किसी दूसरे के आश्रित जैसे मम्मी पापा के, तो वो खुद कमाते नहीं है। तो क्या करते हैं उनको सब चीज बना बनाया मिलता है, स्कूल जाना है, बैग तैयार होता है, ये सारी चीजें जितनी भी है वो आश्रित किसी और के ऊपर आश्रित रहना। तो ये है 0 से लेकर 14 वर्ष तक होते हैं बच्चे वो आश्रित होते हैं। अब 15 से लेकर 59 तक ये क्या होते हैं, कार्यशील होते हैं, कार्यशील मतलब काम करते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं और धन अर्जन करना शुरू होते हैं, काम करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था बल से होती है। तो ये लोग जितने भी होते हैं कार्य करते हैं। और एक हमारा क्या होता है 60 से अधिक, ये क्या होते हैं वृद्धावस्था, जो हमारे दादाजी हो गए नानाजी हो गए इस तरीके से, ये जो कौन होते हैं हमारे 60 से अधिक। तो आयु संरचना को जो तीन भागों में बांट दिया गया है इसी तरीके से हमने आपने देखा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वो है हमारा ये क्या होता है कार्यशील होता है, कार्यशील मतलब बच्चों होता है कार्य करने वाले, जो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या करते हैं कार्य जीवन यापन चलाने के लिए ये कार्य करते हैं।
तो आयु संरचना समझ में आ गया बच्चों। अब हम जो बात करेंगे, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो है आपका आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयु लिंग पिरामिड। बच्चों आयु लिंग पिरामिड देखिए होता क्या है, जिसमें कि हम यह जानते हैं जैसे कि जो महिलाएं हैं पुरुष हैं, तो विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के लिंग कितने हैं हम उसके बारे में इसमें पता लगा पाते हैं। जो विभिन्न 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 आयु वर्ग के लिंगों के बारे में पता लगाना ही लिंग आयु पिरामिड हमारा आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। तो आइए हम इसमें जो जानते हैं, सबसे इसको तीन भागों में बांट दिया गया बच्चों, आप उसके बारे में आप जान लीजिए। तीन भाग जो हमारे हैं, सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे तीन भागों जो इसको बांट दिया गया है वो हमारा, सबसे पहले एक है हमारा विस्तारित, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा जो हमारा माना जाता है स्थिर जनसंख्या, विस्तारित जनसंख्या जनसंख्या, और हमारा क्या है अस्थिर, स्थिर जनसंख्या जनसंख्या, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा जो हमारा माना जाता है बच्चों वो है ह्रासमान। अब ये तीनों जो आपको बताया गया है ये किस तरीके से जो विस्तारित जो जनसंख्या होती है, तो इसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे जो विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं जो लिंग है वो किस आधार पर कैसे होते हैं हम उसके बारे में हम जानेंगे। तो आपका सबसे पहले हम इसमें यह जान लेते हैं कि जो विस्तारित जनसंख्या है वो किस तरीके से है। इसका देखो ये ऐसा होगा आपका जो इसका आधार है ये चौड़ा होगा, तो ये जो ये यहां पर है ये आपका इस तरीके से होगा बच्चों, यहां पर आपका होगा आयु, आयु के बारे में डिफाइन क्या होगा इस तरीके से 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 25, 25 से, इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा वो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है इस तरीके से, आपको ये जो है आपका बुक में भी दिया गया है, तो आपको इस तरीके यहाँ पे देखोगे आप किस तरीके से, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे इस तरीके से दिए होंगे। तो आपका जो इसमें दिया है तो यहां पर जो एक तरफ है आपका इस तरीके से डिनोट किया होगा, वो अलग अलग तरीके से आपको दे दिया जाएगा बच्चों इस तरीके से। ये जो चित्र है वो किसको डिनोट कर रहा है, स्त्री को, और ये किसको कर रहा है पुरुष को, इस तरीके से। तो ये जो आपका है तो ये आपको सबसे पहले ये पिक्चर्स है, ये हमारी जो विस्तारित जनसंख्या है इसमें देखो सबसे पहला होता क्या है हम इस बारे में जान लेते हैं। विस्तारित जनसंख्या जो हमारी होती है उसमें हम जो सबसे पहले जानते हैं उसमें क्या होता है, 0 से लेकर जो आपने देखा 0 से लेकर जो 4 वर्ष तक की जो आयु होती है ये सबसे अधिक होती है। और इसमें क्यों होती है, क्योंकि ये जो जन्म दर होती है इसमें ज्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया विस्तारित जनसंख्या। दूसरी चीज ये पाई कहां पर जाती है सबसे ज्यादा, ये देखो बच्चों ये वहां पर हमारी नाइजीरिया, नाइजीरिया आपका जीरिया हो गया, हमारा उसमें हो गया मैक्सिक, बांग्लादेश हो गया देश, ये हमारा वहां पाया जाता है। अब देखो स्त्री जनसंख्या का कैसा होता है इसका, देखो इसको बोला जाता है घंटी के आकार का, तो घंटी के आकार का हम इसको ऐसे करके या इसको ऐसे करके हम कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से ये होता है। तो ये जो हमारा सेम वो जो इसमें भी वैसे ही होगा, आयु वर्ग यहां पर होगा आयु होगी, और इस तरीके से हम दिया होता है। तो इसमें देखो बच्चों होता है क्या, सबसे पहला हम इसमें ये डाल लेंगे ये जो घंटी के आकार का होता है, दूसरी चीज इसमें क्या होता है ये शीर्ष और शुंगाकार होता है, जो इसका शीर्ष होता है ये शुंगाकार होता है। दूसरी चीज इसका क्या होता है, इसमें जन्म और जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या होती है एक समान होती है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, दोनों क्या होते हैं स्थिर होते हैं। इसमें देखा होगा आपने इसे 0 से लेकर 4 वर्ष तक, और ऐसे 8 से 16, 16 से 25,
और इस तरीके से 25 से 50, तो आपने देखा विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग 50 से 60, तो विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के इसमें जो 0 से लेकर 4 तक क्या है वो कम है, तो जन्म दर स्थिर है और मृत्यु दर भी स्थिर है, तो इसी को क्या कहते हैं हम स्थिर जनसंख्या दर कहते हैं। ठीक है, एक हमारा जो तीसरा है ह्रासमान जो जनसंख्या है उसमें हम हमारा जो होता है वो देखिए कैसे होता है, ये जो हमारा है पान के पत्ते की तरह होगा आपका, इस तरीके से लेकर ऐसे दिया होगा, ऐसे करके ये ऐसे दिया जाता है हमारा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे दिया होता है। इसमें भी सेम वही आयु वर्ग जो आप दीजिएगा 0 से 4, 4 से 16, 16 से 25, 25 से 50। अब आपने देखा ये जो होती है जनसंख्या, इसमें सबसे पहले कहते हैं इसको ह्रासमान जनसंख्या कहा जाता है। तो ह्रासमान जो जनसंख्या होती है बच्चों उसमें क्या होता है, सबसे पहला इसका आधार शंकुकार होता है, शंकुकार जैसे उसका आधार इसी की तरह होगा। दूसरी चीज यह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है, इसको दर्शाता है निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर को दर्शाता है। दूसरी चीज इसमें वृद्धि दर शून्य और ऋणात्मक होती है, वृद्धि क्या होती है शून्य होती है और ऋणात्मक मानी जाती है। तो ये हमारा लिंग पिरामिड का बच्चों, उसके बाद हम नेक्स्ट जो करते हैं वो है आपका, पहले इसको हम रब करते हैं। अब आपसे पूछा भी जाता है कई बार कि जो महिलाओं की जो स्थिति है, एक चीज आपसे पूछा जाएगा साक्षरता है ना, साक्षरता बताना था मुझे, साक्षरता देखिए साक्षरता क्या होता है, जहां पर जो 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति जो पढ़ना समझना लिखना और अपनी बुद्धि के अनुसार जो कार्य करना शुरू कर देता है वो साक्षरता कहलाता है। तो साक्षरता हमारे भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है हमारी हम देखेंगे कि जो जहां पर सबसे ज्यादा जो आबादी के जो बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा समझते हैं करते हैं अपने अनुसार, तो वो हमारी साउथ की साइड है, केरल की साइड लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा वहां पर है। और वही बात करें विश्व में तो हमारे इस तरीके से जो लिटरेसी जो समझ के कार्य करना है इस तरीके से हम दो हमारे क्या है साक्षरता दर कहलाती है। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि वो है हमारा ग्रामीण और नगरीय जन संगठन किस प्रकार का होता है, तो भैया ग्रामीण और जो नगरीय जो जन संगठन है ये तो आपको समझ में आ गया, लिटरेसी रेट मतलब नॉलेजबल जो अपने अनुसार कार्य करते हैं। तो एक हमारा क्या होता है इसमें ग्रामीण और नगरीय संगठन बच्चों, ग्रामीण और नगरीय संगठन देखिए हमारा होता क्या है, सबसे पहला ग्रामीण और जो नगरीय जो संगठन है वो हमारी सामाजिक दशाओं को दर्शाती है, मतलब किस किस तरीके से जो हम है वो हमारे उसके बारे में वो बताएगी। सबसे पहली चीज जो हम इसमें जान लेते हैं वो है हमारा जो जितने भी जो ग्रामीण लोग होंगे वो क्या होंगे, कृषि पर आधारित होंगे, कृषि मछली पालन मछली और आपका, तो ये सारे किस्में आती है प्राकृतिक क्रियाएं में, क्रिया। अब जो शहरी होता है हमारा वो क्या होता है, इसमें रोजगार स्वास्थ्य होता है, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, तो ये इसमें जितने भी द्वितीयक हैं, द्वितीयक तृतीयक आदि, तो ये कहा जाता है। तो कृषि जो होता है ग्रामीण, तो इसको क्या वहां पर कहते हैं हम, एक जगह और जो कहा जाता है इसमें कई बार जो कहते हैं इसमें बच्चों इसको यह भी कहा जाता है, ये ज्यादातर कहां किया जाता है विकासशील देशों में देश, अब जैसे कि हमारा भारत भी है, बांग्लादेश भी है,
ठीक है। तो ऐसी जितने भी जो अभी जो विकास कर रहे हैं वो देश आते हैं इसके अंतर्गत, और जो द्वितीय जो तृतीय देश कितने जो शब्द होते हैं कौन से होते हैं विकसित देश। अब देखो जनसंख्या जो होती है सबसे ज्यादा जो नगरीय संगठन, नगर में ज्यादा लोग क्यों रहते हैं और शहर में, जैसे नगर को ही क्या कहा जाता है शहर, ग्रामीण और नगर में क्यों? देखो जितनी ज्यादा सुविधाएं जहां पर अच्छी होगी वो तो वो प्रवास करना पसंद करते हैं। तो जो ग्रामीण में है जो एकमात्र साधन होता है कृषि का, मत्स्य पालन, मछली का, तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए ग्रामीण में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती। लेकिन शहर में क्या होता है, तो शहर में जितनी भी सुविधाएं होती है तो वो चीज क्या करती है प्रवासी को अट्रैक्ट करती है, तो जिसके कारण वो क्या होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ने पर। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर बच्चों समाप्त हो गया है। तो आशा करते हैं इसी तरीके से आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपको किसी चीज में भी प्रॉब्लम हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, और जैसे भी है आपका आप अपना कमेंट सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसी तरीके से देखते रहें। फिर हम चौथी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।